कुछ लोगों को बैंगन पसंद नहीं है। अगर वे हमारी दादी के तरीके से बनी बैंगन की ग्रेवी एक बार खा लें, तो वे बैंगन की ग्रेवी पसंद से खाने लगेंगे। बैंगन को काटकर फैलाकर और नमक लगाकर तेल में तलकर मसाले को पीसकर जब हमारी दादी बैंगन को डालकर हमारे लिए बैंगन की ग्रेवी बनाती हैं, तो वे बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे जब दही चावल के साथ खाया जाए तो यह और भी स्वादिष्ट होता है। अब देखते हैं बैंगन की ग्रेवी बनाने के लिए जरूरी चीजें। इसके लिए हमने अपने बगीचे से 1.25 किलो बैंगन तोड़ा है, 50 ग्राम धनिया, 10 लाल मिर्च, 4 टमाटर, करी पत्ते, 1 लहसुन, 100 ग्राम छोटे प्याज, 100 ग्राम बड़े प्याज, अदरक और 1 चम्मच सौंफ। अब सभी आवश्यक मसालों को पीसना शुरू करते हैं। अदरक, लहसुन, इन दोनों को सिलबट्टा में डालकर पीसना शुरू कर देंगे। अदरक और लहसुन के साथ सौंफ भी डालकर पीसना शुरू कर देंगे। अदरक और लहसुन को पीसने के बाद अब लाल मिर्च को पीसना शुरू कर देंगे। अब इसमें धनिया भी डालकर अच्छे से पीसना शुरू कर देंगे। लाल मिर्च और धनिया को भी अच्छी तरह से पीस लिया गया है। अब टमाटर को अच्छे से निचोड़कर इन्हें भी सिलबट्टा में डालकर पीसना शुरू कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से पीसने के बाद अब बड़े प्याज को पीसना शुरू देंगे। सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लिया गया है। अब बर्तन के गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। अब बैंगन को अच्छे से काट कर फैलाकर नमक लगाकर तेल में डाल लें। बैंगन को तेल में तल कर अच्छे से पिघलने से पहले निकाल लें। बैंगन को सही रूप में तल लिया गया है। अब बैंगन की ग्रेवी के लिए मसाले को तलना शुरू करते हैं। जब बर्तन गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल डालकर सरसों डाल दें। सरसों के अच्छे से तल जाने के बाद इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दें। अब इसमें कुछ करी पत्ते डाल दें। अब कुछ छोटे प्याज डाल लें। अब पिसा हुआ बड़े प्याज डाल दें। फिर पिसा हुआ टमाटर भी डाल लें। जब टमाटर तल रहे हों, तो उसमें पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया डाल दें। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लें। जांच करने के बाद थोड़ा सा नमक भी डाल लें। टमाटर अच्छे से तल गए हैं। अब तेल में तले हुए बैंगन डाल लें।
बैगन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद इन्हें चूल्हे से उतार दें। अब बैंगन की ग्रेवी तैयार है। हमारी दादी बैंगन की ग्रेवी को कई तरह से बनाती है, ये भी उन्हीं में से एक है। इस बैंगन की ग्रेवी को जब दही चावल के साथ खाया जाए तो यह स्वादिष्ट होता है। इसे पुराने चावल, रसम और सभी के साथ चकना के रूप में भी खाया जा सकता है। यह बैंगन की ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट होती है।